क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल हमें बताना है। सो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल। और हमें पता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ इस तरह जाता है, तो ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब इस नॉर्थ साउथ पोल के बीच में एक लूप होता है, करंट कैरिंग लूप होता है, हम यहाँ पर डालते हैं, ये करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप होता है। इस लूप में करंट कैरी करता है, करंट फ्लो करता है। अब देखो ये हो गया करंट कैरिंग लूप, है ना, ये करंट फ्लो कर रहा है, मान लो इस डायरेक्शन में करंट, मान लो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है करंट, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है करंट, तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया। जब ऐसा होगा तब इस लूप के ऊपर एक फोर्स लगेगा, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। अब इस फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बट बेसिकली यहाँ पे हमसे पूछा था कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इलेक्ट्रिक मोटर का, सॉरी तो इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल यही है, जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में डालो तो ये एक एक्सपीरियंस करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बस हो गया। थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में।